नमस्कार, मैं सुखविंदर श्री और बिंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIE द्वारा संकलित बड़े ही रोचक नवाचार के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको खेल खेल में शिक्षा से संबंधित हरियाणा के नवाचारी शिक्षकों के द्वारा विकसित बड़े ही रोचक नवाचार के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है टिकट से ज्ञान। चलिए चर्चा करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि टिकट जो हमें बस के सफर के दौरान मिलती है, उससे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? जी हां, हरियाणा के नवाचारी शिक्षकों ने इसको साबित कर दिया। जो बच्चे घरों में टिकट इकट्ठा करते हैं, इस सोच को आगे बढ़ते उन्होंने एक नवाचार विकसित किया। क्रियान्वयन कैसे किया, इसकी दो विधि है। पहली, वो टिकटें जो हमें बसों के दौरान मिलती है सफर के दौरान, और दूसरी टिकटें हैं डाक टिकट। पहली विधि का हम चर्चा करते हैं। पहली विधि में इसमें टीचर ने बच्चे जो बसों के दौरान टिकट इकट्ठा करते हैं उनको एकत्रित किया, सभी बच्चों को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। कुछ बच्चों को सवारी बना दिया गया, कुछ को कंडक्टर और कुछ को चालक। अब जो बच्चा कंडक्टर बना है, वो सवारी जो छात्र है उनसे पूछा, आपको कहाँ पे जाना है, कितने की टिकट लेनी है। एक बच्चे ने, मुझे 5 टिकट लेने, 2-2 रुपए वाली, तो उसको पैसे दे दिए गए। दूसरे बच्चे ने पूछा, आपको कहाँ जाना है, मुझे 10 वाली टिकट चाहिए, 3, तो उसने बाकी वो जो रुपये उसके वापिस कर दिया। ऐसे बच्चों ने इसमें क्या सीखा, जमा और घटा के बारे में सीखा। दूसरा, जो बच्चा चालक है, वहां कोई छात्र उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपकी बस एक घंटे में अगर 50 किलोमीटर का सफर तय करती है तो वो 2 घंटे में कितने किलोमीटर का सफर तय करेगी, तो वो बताता है 2 घंटे में 100 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो टीचर ने पाया कि इससे बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान में, जो उनके तमाम जिंदगी तमाम उम्र काम आना है, इसमें वृद्धि हो रही है। ऐसा ही दूसरी विधि है इसमें, जो डाक टिकट होते हैं। कई बच्चे हमने देखा है विद्यालय स्तर पर, स्कूल स्तर पर होते हैं, जिन्हें डाक टिकट इकट्ठा करने का बड़ा ही चाव होता है, बड़ी ही उत्सुकता से वो डाक टिकट होते हैं। तो टीचर ने ऐसे बच्चों को देखा और सप्ताह का एक दिन चुना जिसमें टीचर ने उनसे संबंधित उनको जानकारी दी। क्या क्या जानकारी दी, कि डाक टिकट भारत में कब स्टार्ट हुई, 1862 ईस्वी में स्टार्ट हुई है, कितने तरह की डाक टिकट होती है, क्या मूल्य होते हैं, डाक टिकट किस किस के महापुरुष के द्वारा दी गई है, किसके नाम की होती है, उनका क्या योगदान रहा है, किस ऐतिहासिक स्थल से, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जितनी जानकारी थी वो बच्चों को दी, और आप कैसे इसको संजो के रख सकते हैं। तो ये जो टिकट से ज्ञान था, जो बच्चे केवल केवल माध्यम था, एक टिकट इकट्ठा करने का शौक था, उससे ज्ञान प्राप्त बच्चों की, और ये ज्ञान ऐसा था जो उन्हें तमाम उम्र काम आने वाला ज्ञान था। तो टीचर ने इस गतिविधि के बाद पाया कि उनका शिक्षण के प्रति जो उत्साह था उसमें काफी वृद्धि हुई है। तो इससे टीचर ने काफी उत्साह पाया, बच्चे भी काफी खुश थे, क्योंकि ये जो विधि थी वो खेल खेल में शिक्षा थी। खेल खेल में शिक्षा के दौरान बच्चों को पता है कि उन्हें कितनी अच्छी जानकारी प्राप्त की है। तो आशा करता हूं आपको ये नवाचार अच्छा लगा होगा, और आप सभी इस नवाचार को अपने स्कूलों में, अपनी कक्षाओं में जरूर क्रियान्वित करेंगे। अगर आप ये मेरा वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज है ZIIE, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह के और वीडियो हम आप तक लेते आते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।